तो देखिए शुभांकर, गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, लेकिन ये अब तक नहीं आया स्टेटमेंट कि अगर बेचोगे तो क्या होगा, मिलीभगत करोगे तो क्या होगा। वैसे पूरे देश में पिछले 5 साल में 6,500 लोगों की जान जा चुकी है जहरीली शराब की वजह से, लेकिन इस पर सबकी चुप्पी है। बेचोगे तो क्या होगा, इसका जवाब नहीं, ना ही जवाब है कि जो मर गए उनका क्या, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि मौत का आंकड़ा जो है सही नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो पोस्टमार्टम के जरिए आए हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार सीधे कर दिया गया और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार शराब कांड पर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी और राजीव प्रताप रूडी की तरफ से कहा गया कि बिहार सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है, सिर्फ उन आंकड़ों को जाहिर किया जा रहा है जिनका पोस्टमार्टम किया गया है, जो पोस्टमार्टम नहीं किए गए हैं जिन्हें सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया उन आंकड़ों को छिपा रही है और जबरदस्ती पोस्टमार्टम की जगह अंतिम संस्कार सरकार करवा रही है। लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार की पुष्टि हो रही है जितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, और पोस्टमार्टम किए गए संख्या जो अभी तक उभर के आया है वो 42 से अधिक है। लेकिन अभी हमने प्रामाणिकता के तौर पर कई पत्रकारों को दिखाया है कि कई ऐसे स्थान हैं जहां गरीबों के लाश को जला दिया गया है, वो शराब से मरे हैं और उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसकी संख्या सैकड़ों में जा सकती है। सरकार एक तरफ विफलता सरकार की रही है जहां गरीबों तक शराब पहुंचा है और शराब पी के मरे हैं, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पाप जो सरकार अभी कर रही है कि मरने वालों को बिना पोस्टमार्टम के जलवा रही है, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सब जो शराब पीते हैं जहरीला वो दोषी हैं, लेकिन पिलाने वाला कौन है, पहुंचाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, वहां तक ले कैसे जाया जा रहा है और इसकी नीति किसने बनाया है, जिसको नीति में फेल होने वाला कौन है, इन सवालों का उत्तर देगा। हम लोगों ने मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आके इन गरीबों को देखे, क्योंकि ये दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, महापिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये अल्पसंख्यक है और इन्हीं में कोई गरीब ड्राइवर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला पर काम करता है, कोई चॉप बनाता है, कोई नूडल्स बनाता है शादी विवाह में, ये सब वही गरीब हैं। तो इन गरीबों के लिए अगर संवेदना हो तो निश्चित रूप से आके मिले। हम लोगों ने कहा है कि अगर वो पापी था जिसने शराब पी के अपनी जान दे दी है, तो उसके बच्चों का क्या कसूर था।